करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जप आदि सत युगाद सत है भी सच नानक हो सी भी सच जप आदि सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा कभ्यो बाज बेनती चौपाई बादशाही दसनी हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सदै तुम पाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ सब बैरन को आय सुनरी है मैं चाद कोई अवर न त्याऊ जो बर जाऊ सुखम ते पाऊ आप
हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल काए ब्रह्मा बतरा काल काए शिव जू अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो जवन काल सब जगत बनायो देव जात गचन उपजायो नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब थर्क खरा कर तारा पर जा थर तब दे अपारा जेते भजन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निरंग आद अनिल अनाद असंग ताको कर पान अनुमान महामूर कछ भेद न जानता कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ से मट पे शंकर कहता काड़ा
जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तुमरी कृपा ते खुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। तुमरी कृपा ते खुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेले आखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। काला हो आशिया, काला हो आशिया, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे। जन्म जन्म की, जन्म की, जन्म 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 जन्म की। इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, खनली तोती उजली ना हो गई, जे सौ तोवन पाहो। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला हो, नानक मैल ना लगे ना फिर जो नी पाहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो। प्यार से बोलिए धन को दान। इस बात को समझने के लिए इस शब्द को सुने ध्यान से। बाबा नंद सिंह जी इस शब्द को इस प्रकार समझाया करते थे, बड़ी गहराई से। ध्यान से श्रवण कीजिए। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, पिछल राती उठ बहन दे। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, अमृत वाला सरनाम। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, इक मन होए गुर जाप जपंद। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, साध संगत चल जाए जुड़ंद। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, गुरबाणी नित गाए सुनंदे। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, मन मेली कर मेल मिलंदे। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, पाए भगत गुरपुरब करंदे। गुर सेवा फल सुफल फलंदे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबको मैथ्स आती है, मैथमेटिक्स प्लस माइनस। अनपढ़ भी हो वो भी गुणा करना तो जानता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मैं कुर्बान जाता हूं किनसे? ऐसे सिखों से। ध्यान से सुनना एक एक बात। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, पिछल राती उठ बंदे। जो अमृत वेले पिछली रात को उठकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की कृपा से अपने आप को गिन लो उसमें। हम सब गुरु ने तर्स किया, रात को उठाया। पिछली रात कहते हैं अमृत वेले को। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, अमृत वेले सरना बंदे। अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं, वो भी कैसी स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुर्बान जाऊं भाई गुरदास जी कहते हैं, प्लस हो गया और कमाई प्लस हो गई। पहले उठे फिर स्नान किया। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, एक मन होए गुर जाप जपन दे। अब बैठ के जाप करते हैं। कुर्बान जाऊं ऐसे गुरसिखों से भाई गुरदास जी कहते हैं। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, साथ संगत चल जाए जुड़न दे। फिर साथ संगत में जाते हैं। जो जो गुरु नानक हमसे करवा रहा है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्लस कर लीजिए, अब सत्संगत में आ गए, नाम जप रहे हैं। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, गुरबाणी नित गाय सुनंदे। क्या करते हैं हम यहाँ पर मिलकर संगत में? गुरबाणी गाते भी हैं, सुनते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, मन मेली कर मेल मिलंदे। गुरु के चरण में अपना मन जोड़ने की पूरा कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति हमारे जीवन पर ढलती है, अगर प्लस 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 करके देखा जाए, खुश हो जाए हम इसके कि गुरु ने इतना तर्स किया। ये बाबा नंद सिंह जी के समझाने का स्टाइल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक ने तर्स किया, अमृत वेले उठाया, नाम जपाया, सत्संगत बख्शी, सेवा करवाई, सिमरन करवाया, शब्द कीर्तन गुरबाणी से जोड़े, चरणों से जोड़ा, गुरुपुरब मना रहे हैं भाई भाव से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हो गया प्लस। अब सुनिए, अब ये हो गया, हमने कमाई की इकट्ठी, ठीक है, किसी ने सुबह से लेकर शाम तक कमाई की। अब हमारा खर्चा देखिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हों तिस कोल कुमाया, गुरमत हृदय गरीबी आए। पे वार वार जाता हूं। गुरमत हृदय गरीबी आवे, विनम्रता आ जाए हम में। अगर अहंकार है तो कमाई माइनस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब में अहंकार भरा हुआ है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, किसमें कम है किसमें ज्यादा, भरा तो हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
किसी को छिपाना आता है, किसी को छिपाना नहीं आता। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। माइनस वो प्लस था, ये माइनस। तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब जानते हैं हम क्या करते हैं पूरा दिन, पराय स्त्री का रूप देखते हैं, पराय स्त्री पराय मर्दों का रूप देखते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये करता है कमाई माइनस, एक तरफ हम अमृत लो उठ के नाम जप के कमाई कर रहे हैं, एक तरफ माइनस कैसे हो रहे हैं वो देखिए। तिस कोल कुमाया पर दर बेनु हाथ न लावे। दूसरे का धन हमारे पास कैसे आ जाए, पूरा दिन इसी कोशिश में लगे रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये नहीं करते उनके ऊपर वार नहीं जाता हूं, वार 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 जाता हूं कहते हैं। मैं उसके ऊपर बलिहार जाता हूं जो ये नहीं करते, पर हम सब तो ये करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिस घोल घुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। हम उस पे बलिहार जाता हूं जो जहां निंदा हो रही हो वहां से हट जाए। हम तो जहां निंदा हो रही हो वहां जाके खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, अब मजा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माइनस वो सारी पंक्तियां प्लस की थी, ये सारी पंक्तियां हमारी माइनस की। तिस कोल कुमाया सतगुर का उपदेश कमावे। जो सुना है उस पर चलते नहीं, माइनस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पर बलिहार जाता हूं जो सुनने के बाद उसके ऊपर चलता है, हम नहीं चलते, माइनस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिस कोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पे बलिहार जाता हूं जिसकी नींद कम है, जिसकी भूख कम है, जो शर्त है परमार्थ की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पेट भर भर के सोते हैं, खाए पे खाते हैं, खाना तो खाते हैं नाश्ते भी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्लासनगर तो नाश्ते के लिए मशहूर है, खाना तीन टाइम नाश्ता पांच टाइम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, गुरमुख सोई सहज समावे। बाबा नंद सिंह जी समझा रहे हैं, एक तरफ तो अमृत ले उठ रहा है, कमाई कर रहा है, शब्द जाप कर रहा है, सत्संगत में आ रहा है, नाम जप रहा है, गुरु के चरणों से लिव जोड़ रहा है, गुरबानी पढ़ रहा है, प्लस कर रहे हैं, एक तरफ पूरा दिन तो खर्चा करते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, एक इंजन बनाया, इंजन स्टीम इंजन होता ना, जो गाड़ी चलती है स्टीम इंजन होता है, उसमें कोयले डाले, पानी डाला, अब स्टीम बन गई, पर वो गाड़ी डब्बों को खींच नहीं पा रही। इंजीनियर आया चेक करने के लिए भी, क्या बात है क्यों नहीं खींच पा रहा, तो ध्यान से देखा तो नट बोल्ट ढीले हैं, स्टीम लीक हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने नट बोल्ट कस दिए, अब वही इंजन है, वही स्टीम है, वही कोयला है, वही पानी है, स्टीम बना, लीकेज खत्म हो गई, सारे डब्बों को खींच लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मंजिल पर पहुंच गया वह इंजन। बाबा नंद सिंह जी ये दृष्टांत देके समझाते थे, ये जितने भी गलतियां हम करते हैं ये हमारे नट बोल्ट ढीले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ हम कमाई करते जा रहे हैं, एक तरफ खर्चा करते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता, फिर कहते हैं हमारा काम नहीं होता, फिर कहते हैं कि गुरु मन नहीं जुड़ता नाम जपने में। जब तक ये नट बोल्ट टाइट नहीं करेंगे तब तक इंजन नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये शब्द जो आज पढ़ रहे हैं, आओ तो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार करें इस शब्द का भाव क्या है, क्या कह रही है वाणी। ठीक है हमारे जो नट बोल्ट ढीले हैं, अब उसे टाइट कैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ साथ साथ में पंक्तियां पढ़ें, साथ में विचार करें। जन्म जन्म की, 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 जन्म जन्म की। इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को
को इस मन को मन लागे काला हुआ से आहो 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 इस मन को इस मन को मन लागे से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक जन्म जन्म के इस मन को मल लागे जन्मों की मैल चढ़ी हुई है जन्मों की दिनों की महीनों की सालों की नहीं बाणी कह रही है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु की बाणी गुरु कह रहा है कि इस मन को जन्मों के पापों की मैल चढ़ी हुई कितने जन्मों में कितने पाप किए हैं उसकी मैल चढ़ी हुई काला हुआ स्याह इतना काला हो चुका है ये मन इतना काला परतें चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर खनली तोती उजल न हुई खनली कहते हैं सत्संग जी ऐसा कपड़ा मानो ग्रीस से लिपटा हो गंदी ग्रीस से भरा हुआ जो साफ हो ही नहीं सकता ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक उदाहरण दिया इसका पुराने जमाने में जो बैलगड़िया चलती थी वो तेल का कपड़ा होता था जो उसमें एक तरह से ग्रीसिंग करते थे वैसा कपड़ा खनली तोती उजली ना होई जे सौ तोड़ सौ बार धोलो ऐसे कपड़े को साफ नहीं होता प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अब यहाँ पर सवाल उठता साफ हो कैसे पाछा समझाते हैं कहते हैं गुर प्रसादी जीवत मरे गुर प्रसादी हाँ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हम चाह कर भी जीते जी नहीं मर सकते जीते जी मरना किसे कहते हैं जिसने अपने अहंकार को मार लिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जीते जी अपने अहंकार को खत्म इसको समझने के लिए एक छोटा सा घटना है भगत फरीद जी जा रहे हैं प्रचार करने जाते हैं गांव गांव में लोगों को जोड़ने एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां पर सारे नास्तिक हैं और जब कथा करने बैठे आ गए इकट्ठे होके भाई निकलो यहां से प्यार से बोलिए धन गुरु नानक भगत फरीद जी के साथ बहुत सारे शिष्य भी हैं वो लोग भगत फरीद जी से बदसलूकी करने लगे शिष्य आगे होने लगे भगत फरीद जी ने इशारा किया कोई बीच में नहीं आएगा उन लोगों ने नास्तिक लोगों ने भगत फरीद जी को धक्के मारे शिष्य आगे आने लगे भगत फरीद जी ने फिर इशारा कर दिया बीच में नहीं आना फिर उन्होंने उन लोगों ने भगत फरीद जी को मुक्के मारे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मुंह से खून निकलना शुरू हो गया कई जगह पर चोटें आई भगत फरीद जी मुस्कुरा रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं बस वो मारते जा रहे हैं भगत फरीद जी हाथ जोड़ रहे हैं शिष्यों से बर्दाश्त नहीं हो रहा पर फरीद जी का इशारा है कि बीच में नहीं आना वो पीट कर चले गए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक अब फरीद जी ने रोना शुरू कर दिया भगत फरीद जी ने रोना शुरू कर दिया हाथ जुड़ गए शिष्य कहने लगे जब पीट रहे थे हमें रोक दिया तब तो मुस्कुरा रहे थे अब चले गए तो अब रो रहे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक तभी बोल देते हम बीच में आके बचा लेते भगत फरीद जी कहने लगे नहीं मैं इसलिए नहीं रोक रहा नहीं रो रहा क्योंकि मुझे पीटा है मैं इसलिए रो के पुकार कर रहा हूं उस खुदा से कि या खुदा इन्हें तूने अपने कितनी दूर रखा है अपने से इन्हें ज्ञान ही नहीं तरस कर
मैं रो के अरदास कर रहा हूँ उनके लिए कि इनके ऊपर तरस कर इन्हें सदबुद्धि दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार मर गया, इसे कहते हैं जीते जी मरना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कोई हाथ लगाए जब तक पीठ ना दे चैन नहीं आएगा, अहंकार भरा हुआ है ना अंदर, चाहे दिखाए या ना दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी मार खा के भी चुप हैं और उनके लिए अरदास कर रहे हैं कि तरस कर खुदा उनके ऊपर। और कुछ देर बाद वो वहीं बैठे रहे, लिखा है कि कुछ समय बाद, कुछ घड़ियों बाद वो सारे वापस आए। कहने लगे आज तक बहुत लोगों को पीटा है पर मन इतना परेशान कभी नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाला गालियां देता है, सामने वाला बहुत कुछ बोलता है, सामने वाला लड़ता है, आपने कुछ नहीं कहा। पता नहीं आप में क्या है, आपको पीटने के बाद मन बेचैन ही है सबका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़े कि हमें माफ कर दो। जीवन बदल दिया भगत फरीद जी ने, किसने बदला? जिसका अपना मन मरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नास्तिकों को बदल के रख दिया भगत फरीद जी ने, कैसे? गुरु प्रसादी जीवत मरे, ये गुरु नानक पाशा हमारी स्टेज लाना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें पता तो होना हमारी मंजिल क्या है, चल तो पड़े हैं, गुरु नानक ने उठाया अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मंजिल को हासिल करना है, किसी को साल लग सकता है, किसी को 2 साल, किसी को जन्म लग सकते हैं, पर पता तो हो। और गुरु मेहर करे, गुरु प्रसाद दी, ये अपने करने से नहीं होगा। कैसे होगा? एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद दी जीवत मरे, उसकी कृपा से कृपा वो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम केवल अमृत वेले उठ के नाम जप सकते हैं पाछा, तू उठाएगा तो भी, वो भी जब तू उठाएगा। हम केवल इतना कर सकते हैं, बाकी कृपा वो करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला। उल्टी मत हो जाएगी, मत कैसे उल्टी हो जाएगी? आज दुनियावी पदार्थों की तरफ भागती है, कल गुरु के चरणों की तरफ भागेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज माथा टेकते हैं तो 50 चीजों की लिस्ट आगे रखते हैं, कल माथा टेकेंगे कि केवल नाम मांगेंगे, मत बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदलाओ नानक, मैल ना लग गई। जिस दिन ये हो गया, जिस दिन उसकी गुर प्रसाद वर्त गया, फिर मैल नहीं चढ़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये खर्चे नहीं होंगे, पराय स्त्री पराया धन पराया समान, खर्चे खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वो गुर प्रसाद वर्त गया, वो उसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी मर्जी है, उसकी हजूरी में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज दास ही कहता है, रोज और हमेशा ही कहता रहेगा। और आपके मन में भी ये बात आनी चाहिए, जब भी कोई कहे कि ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है, फिर याद किया करो बैठे कहाँ हैं, जिसके हाथ में सारी शक्ति है, जो सब कुछ नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म जन्म की, 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 जन्म जन्म की। इस मन को मन लागे, इस मन को मन लागे, काला हो मन को,
इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे, इस मन को, इस मन को, इस मन को मन लागे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही नहीं संभल पा रहे थे हमसे, हमें समझाने के लिए कह रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों से ही परेशान थे हम, नहीं बच पा रहे। अब एक एक्स्ट्रा चीज हमने शुरू हो गई हमारे के अंदर, जो थोड़े दिन पहले भी बात आई थी शायद बीच में, ईर्ष्या। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे से जलन, एक और अवगुण हमने अपने भीतर डाल लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे की तरक्की देखकर उससे जलन होना। गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं, वचन लिखे हुए हैं एकदम परफेक्ट जो लिखे हुए दास वो पढ़ के सुना रहा है। किसी का सुख देखकर ईर्ष्या मत करो, किसी का सुख देखकर ईर्ष्या मत करो, इससे तुम्हारा हृदय तपेगा और मिलेगा भी कुछ नहीं। हाँ एक चीज मिलेगी, प्रभु की नाराजगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम कैसे हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस फील्ड से तो कोई नहीं बच सका, कोई भी नहीं, न कीर्तनीय न संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इस फील्ड से कोई नहीं बच सका। ये जो चीज है ना ईर्ष्या, उसके पास ज्यादा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे एक मित्र ने बताया मुझे, मैंने नहीं देखा, मेरे मित्र ने बताया, कहने लगा हरिद्वार में गया था मैं स्नान करने, तो वहां पर एक संत को हथकड़ी लगाकर लेकर जा रहे थे। तो पूछा क्या हुआ भाई, क्या किया इसने, कहने लगा इसने दूसरे संत का खून कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल कर दिया, क्यों, उसके पास संगत ज्यादा जुड़ रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है, इस ये जो ईर्ष्या है इससे एक नाम जपने वाले भी नहीं छूट पा रहे। हम हैं क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो एक आदमी नहीं गुरु नानक की नजरों में, इंसान भी नहीं बने। हमने थोड़े दिन पहले इस पर विचार किया था कि जानवर हमसे अच्छे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं मेरे पास एक युक्ति है, इससे बचा जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिसके शरण में बैठे हैं इसके पास हर बीमारी का इलाज है। अब दवाई कोई खाएगा ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या इलाज है, श्रवण कीजिए। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नाही सगल संग हमको बनिया। बिसर गई सब तात परा, जब ते साथ संगत मोहि पाए, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनया। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, अगर इस पराई तात से बचना है, ईर्ष्या से बचना है, दूसरे का सुख देखकर जलन से बचना है, एक काम कर ली, सत्संगत कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत का लाभ क्या है, सत्संग में आकर गुरु ऐसी कृपा कर देता है, ये भावना ईर्ष्या की भीतर से खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना। यहां पर आकर तो होना तो ये चाहिए था पाचा, कृपा करें कि दुश्मन भी मित्र लगे। जिनके आज भी झगड़े होते हैं संगत में, समझ लेना कहां पर खड़े हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
यहाँ पर आकर तो सारे झगड़े खत्म हो जाने चाहिए थे, और यहीं पर आकर जो झगड़ा करे, ऐसे लोगों ने शो क्या कही है। जो प्रभु की जय भगत ते बाज तेरी से सदा डराने रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जिनको गुरु ने भक्ति की दात नहीं दी, जिनको गुरु ने नाम से दूर रखा है, उनसे डर कर रहो, उनसे दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की पंक्ति है। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जलन होती है ना दूसरे से। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा है, चल सकता है पर देख नहीं सकता। लंगड़ा है, चल नहीं सकता, देख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों ने आपस में विचार किया, हम दोनों मिलकर भीख मांगेंगे, दोनों का गुजारा हो जाएगा, दोनों को रोटी मिलती रहेगी। मान गए, अंधा लंगड़े को अपने ऊपर बिठा लेता है कंधे पर, दोनों भीख मांगते हैं। इसी तरह से समय गुजर रहा है, आपस में झगड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब झगड़ा हो गया, दोनों दूर दूर बैठे हैं और एकदम गुस्से में बैठे हैं कि उसका नुकसान कैसे करूं। अंधा सोच रहे हैं, लंगड़ा बोल रहा है कि मैं उसका नुकसान कैसे करूं। वहां से ये महापुरुष दृष्टांत दिया करते, कहते वहां से एक देवता गुजरा, इसे तरस आया कि दो दिन से भूखे बैठे हैं, बेचारों ने कुछ खाया नहीं, इनसे पूछता हूं, जो चाहिए इन्हें दे देता हूं। वो चले गए अंधे के पास। उन देवता का मन था कि अंधे को मैं आंखें दे दूं, लंगड़े को टांगे दे दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे के पास चले गए, कहने लगे मैं देता हूं, जो चाहिए मांग ले। कहने लगे जो चाहिए दूंगे। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसे भी मेरे जैसा अंधा कर दो, उस लंगड़े को। देवता ने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। लंगड़े के पास गए, भाई तुम्हें कुछ चाहिए? कहने लगा मेरे जैसे लंगड़ा कर दो उसे। वो पहले तो अंधे और लंगड़ा ही था, अभी तो किसी लायक नहीं रहे, जो था वो भी खो दिया। देवता आया था कुछ देने, पर ईर्ष्या, जलन, दूसरे का नुकसान करने की भावना, अपना भी कुछ नहीं बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम हंस रहे हैं उन पर, हम सब वही हैं। ध्यान से सोचोगे तो हम यही सब करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या, हमें दूसरे की पीठ दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से विचार करें कि हम सब कुछ परसेंट करें चाहे ज्यादा करें, हम सब ये करते हैं, दूसरे का नुकसान, अपना फायदा नहीं सोचते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास आ गए कीर्तनीय, नाम इस वक्त मुझे याद नहीं, शायद संता सिंह के संत सिंह रागी कोई आए। कहने लगे आपने संत सुजान सिंह जी पर ज्यादा कृपा की, उनको संगत ज्यादा कीर्तन सुनती है, उनको संगत ज्यादा प्यार देती है, हमारा कीर्तन इतना नहीं सुनती। बाबा नंद सिंह जी ने लकीर खींच दी कच्ची मिट्टी पर। कहने लगे इसे छोटा कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मिटाने लगे, कहने लगे मिटाना नहीं है, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे इसे मिटाना नहीं, इसे हाथ नहीं लगाना। तो वो कीर्तनीय कहने लगा इसे छोटा कैसे करना है। कहने लगे दूसरी लकीर बाबा नंद सिंह ने बड़ी खींच दी, ये छोटी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे संत सुजान सिंह जी की कमाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमाई है उनकी, तुम उससे ज्यादा कमाई कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी कोशिश क्या रहती है, लकीर दूसरे की मिटाए कैसे, अपनी बड़ी करो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी कोई चीज नहीं है आप अमृत लोट के नाम जप कर हासिल ना कर सको। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में गुरु नानक की बाबा नंद सिंह जी की गारंटी से कह सकता हूँ, आप जो चाहो, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो वो बन सकते हो आप, अमृत लोट के नाम जप के जो मांगो वो मिलेगा। ये अमृत वेले की ताकत को कोई पहचान नहीं पाया असल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई करके तो देख ले, 40 माला मूल मंत्र का नेम बनाओ, अमृत वेले उठ के जागो, जो चाहिए। पर दास तो बेनती करेगा, असल में गुरु नानक मेहर करेगा, मत बदल जाएगी। ये छोटी चीजें नहीं मांगेंगे फिर, दाता देने वालों को मांग लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्राइम मिनिस्टर ही बन गए, जन्म तो लेना पड़ेगा, वो कौन से सुखी होते हैं बेचारा, कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहां भाग रहा है, आराम कहाँ है उसको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुर्सी का हमेशा डर, हमेशा डर कुर्सी ना चली जाए। राजा हो, बाबा नंद सिंह जी कहते थे राजा हो तो जनक के जैसा।
राज में जोग कमाया। फिर से बोली अदान गुरु नानक, हो राजा प्रसाद में अमृत ले उठ के नाम जपता हूँ। फिर से बोली अदान गुरु नानक, फिर उसकी सूरत कैसी होगी, दूसरों के भले के सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। कितनी कमाल की बात है। दास यहाँ पे एक बता दे, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कहते थे जो हम नाम जपते हैं, कोई भी इंसान नाम जपता है, कोई साधु नाम जपता है, उसका 10% उस समय के राजा को, उस समय समझो कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, अगर वो सेवा के भावना से काम करता है लोगों की सेवा की, तो हमारा 10% कमाई उसे अपने आप चली जाती है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, कितनी कमाई कर सकता है कोई पॉलिटिशियन अगर सही रास्ते पे चले, तो क्या कमाई हो जाएगी उसकी, जरा विचार कीजिए। क्योंकि वो अगर हमारे लिए पूरा दिन रात एक कर रहा है, तो हमारी जपा हुआ नाम में से 10% उसके अकाउंट में अपने आप चला जाता है। पर कोई करे, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर दो पंक्तियां वाहे गुरु, बोलिए धन गुरु नानक। ये वाहेगुरु शब्द ही मैल निकालेगा, जन्म जन्म की मैल को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जपते रहो दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाव, ये चाव पैदा हो जाए। ये हमारी बुरी सोच जो हमारे भीतर है ना, दूसरे का बुरा, जब तक ये सोच है ना सत्संग, जब तक ये सोच है, आप किसी भी फील्ड में टॉप पे नहीं आ सकते। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप उसमें टॉप पे लेवल पर नहीं आ सकते जब तक आपके मन में किसी के बारे में बुरा है, ये वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन का नाम तो सबने सुना है, थोड़ी देर पहले भी ये बात आई थी, कुछ दिन पहले, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना छोटी सी, वो सुना के दास समाप्ति करेगा। तानसेन, अहंकार हो गया उसे अपने गायकी पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अहंकार हो गया। एक दिन अकबर रोज तारीफ करता था उसकी, एक दिन अकबर इतना प्रसन्न हो गया उसकी गायकी से, कहने लगा तू आज जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांग ले। तो तानसेन ने कैसी बात मांगी, सन ये इतिहास है। तानसेन कहने लगा अगर मेरी टक्कर का कोई गायक है तो गाए, नहीं तो पूरे राज्य में गाने पर पाबंदी लगा दी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो भी गाए पहले मुझे हराए गाने में, अगर बिना मेरी इजाजत के कोई गाएगा पूरे राज्य में तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार जाग गया तानसेन में, सोच ये थी कि कोई दूसरा गायक पैदा ही ना हो मेरे अलावा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना गुण, कितना ज्ञान, पर क्या हो गया, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक साधुओं की टोली जो राज्य में नए नए प्रवेश की, उन्हें नहीं पता इस कानून के बारे में। अकबर को ये बहुत बुरी लगी बात, बहुत बुरी लगी थी अकबर को ये बात, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने खुद कहा था मांग ले जो मांगना है, पर उसके कहने पर उसे ढिंडोरा पिटवा दे कि आज के बाद कोई नहीं गाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधुओं की टोली आई, जो मुखी साधु था वो भजन गाते गाते आ रहा है एक तारा लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महल के पास से गुजरा, तानसेन ने आवाज सुनी, सैनिकों ने पकड़ लिया, कहने के गाना मना है, पेश किया गया। वो कहने के गाना मैं तो प्रभु की उस्तत कर रहा था, ये कैसा राज्य है जिसमें गाने पर पाबंदी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसकी एक ना सुनी गई, उसका छोटा बालक उसके साथ में, एक ना सुनी गई, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका जो छोटा बालक अकेला रह गया, जंगलों में भटक रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना, इसका नाम आया है बैजू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जंगलों में भटक रहे जाके कहाँ मिला, किसको मिला? स्वामी हरिदास जी को, जो तानसेन के गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेहोश पड़ा मिला उन्हें, वो उठा के कुटिया में लाए, उसका इलाज किया, ठीक किया। पूछा तेरे साथ क्या हुआ है? उसने जब सारी घटना बताई, उसके गुरु को क्रोध आ गया कि तानसेन को मैंने सिखाया, जिसे मैंने संगीत की दात दी, विद्या का ज्ञान दिया जिसे गुरु, उसने ऐसा पाप किया कि राज्य में संगीत बंद करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे तो विद्यालय खुलवाने चाहिए थे संगीत के। संत हरिदास जी एकदम गंभीर हो गए, कहने लगे बैजू मैं तुझे ऐसा गायक बनाऊंगा, कि तू तानसेन को हराएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पिता की मौत का बदला लेगा उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बैजू संगीत सीख रहा है, ऐसा संगीत सीख लिया इसने सत्संग जी, क्योंकि सिखाने वाले कौन? संत हरिदास जी। ऐसा संगीत सिखाया इसे कि पत्थर को मोम कर दे, ऐसा संगीत सिखाया कि जानवर रुक जाए, खड़े हो जाए, जब जानवर नहीं चल पाते थे जब वो गाना शुरू करता था। पर संत हरिदास जी एक चीज नोट कर रहे हैं कि वो बात नहीं बन रही जो वो चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी परेशान है कि वो बात नहीं बन रही जो ये चाहता है, कि जाऊं तानसेन को वहां गाऊं तो तानसेन से मुकाबला होगा, उसे हराऊं। दिन रात मेहनत कर रहा है, जवान हो गया बचपन से कि मैं तानसेन को हराना है, उसके गुरु भी लगे हुए। एक दिन उसे गुरु को रात को बैठे बैठे ज्ञान हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी पॉइंट की बात है जो हमें समझनी है। बुलाया उसे अपने पास, कहने लगे एक भूल मैं भी कर रहा हूँ, एक भूल तू भी कर रहा है, इसलिए तू वहां तक नहीं पहुंच पा रहा जहां हम पहुंचना चाहते, जहां मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं, कि देवता भी आकर खड़े हो जाए सुनने के लिए, वो बात नहीं बन रही। तो कहने का कहां गलती हो रही है? कहने लगे एक ही गलती है, उसको हराने की इच्छा खत्म कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तानसेन को हराने की इच्छा खत्म कर, माफ कर दे उसे। जब तक माफ नहीं करेगा ये गुण नहीं आएगा, ये संगीत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरस्वती का वरदान है, ये ऐसे नहीं आएगा, माफ कर दे उसे। ये कहने लगा मैं माफ नहीं कर सकता। हरिदास जी कहने लगे जब तक माफ नहीं करेगा तब तक तेरे भीतर ये संगीत का उच्चतम गुण नहीं आ सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गायक बन के रह जाएगा, पर जो चाहते हैं, जब तू चाहते है जहां पहुंचना, ना तू पहुंच पाएगा ना मैं पहुंचा पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में माथा पच्ची करके कई साल बीतने के बाद इसने अपने मन को समझाया, ज्ञान दिया, मंदिर में जाके रोया, मैंने माफ किया तानसेन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उसके संगीत में वो जादू प्रकट हुआ। ये गया, इसने तानसेन को हराया और फिर उसे माफ कर दिया, सूली पर नहीं चढ़ने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हराया इसलिए ताकि कानून बदला जा सके, पर उसे माफ कर दिया। राजा ने कहा अकबर ने, तू कहे तो इसे सूली पर चढ़ा दे, तूने इसे हरा दिया। कहने लगा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफ तो मैंने कब से कर दिया था। बात यहां पर समझने की ये है साध संगत जी, जब तक दूसरे का बुरा थोड़ा भी सोचेंगे, देखिए उसने उसके पिता को कत्ल करवा दिया, उसे भी माफ करने के लिए कहा, तब जाके ज्ञान हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक माफ नहीं करेंगे जहां खिमात है आप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल का शब्द था ना, जहां खिमात है आप, जहां माफी है वहां वो खुद हाजिर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमारे मन में से दूसरे की बुराई निकल जाए, हम सबके, मेरे आपके, गुरु नानक मेहर करे। मैं आपके लिए अरदास करूं, आप सब मेरे लिए किया करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 इतनी संगत मिलकर किसी के लिए अरदास करे और पूरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हाथ जोड़कर बेनती, मेरे लिए भी अरदास किया करो। जन्म जन्म की, 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 इस मन को, इस मन को
इस मन को मन लागी, इस मन को इस मन को इस मन को मन लागी, इस मन को इस मन को इस मन को मन लागी, इस मन को मल लागे, इस मन को इस मन को इस मन को मल लागे, इस मन को राग
मोह मिट जाए, क्षीण समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सब जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी सदा
जय गुरु जी की।